नाच रहल बा इंग्लैंड, झूम रहल बा लंदन, भोजपुरी जगत के सितारा रख चुकल बाड़न लंदन में आपन कदम। रेड कार्पेट एपिसोड में आज अपन भोजपुरी सितारन के साथ देखल जाई लंदन में उनकर ढेर सारा मस्ती और धमाल। उनकी पूछ ऊंची, ऊंची पूछ का ऊंच कौन सा? रिश्ता में तो हम तोहर भाई लगीला, नाम बटे मनोज तिवारी। ये टुन्नू जी है। लंदन के कड़कड़ा जाड़ा में होगी गर्मी के एहसास। आम्रपाली जी, हमरे छोट छोट 10-11 गो लइकन के माई बनबू। पवन जी, हम रउआ से बहुत प्यार करीला। तो तैयार हो जाए भोजपुरी इतिहास के सबसे शानदार शाम के दीदार खातिर, जहां होगी भोजपुरी के जय जयकार। देशो में उफा देखे वाला सब दर्शक लोगन के राजीव मिश्रा के प्रणाम बा, स्वागत बा, नमस्कार बा, शानदार जानदार और जबरदस्त कार्यक्रम डिशुम इफा 2017 में। प्रणाम, नमस्कार, हाय लंदन, हाउ आर यू? और इस बार अवार्ड हो रहा है लंदन की धरती पे। बहुत जल्द शुरू होने वाला है भोजपुरी का सबसे बड़ा अवार्ड शो, इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड। भोजपुरी समाज जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद। लेकिन इससे पहले हम लाए हैं आपके लिए हमारे स्पेशल गेस्ट और भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार। बहुत सारी बातचीत और राजीव जी मस्ती भी, तो चलो जाओ। यस, चली। ठीक है, तो सपना साँच हो गई रुआ आगे नहीं भोजपुरी अवार्ड में, मतलब इतना गर्व के बात बाकी क्या बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत प्रेम मिला, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति का, खास तौर पे जो मेरी जो फिल्में चली भोजपुरी गाने की वजह से। तो भोजपुरी फिल्में भले नहीं की हूँ मैं, परंतु जो गाने थे फिल्मों के वो सभी भोजपुरी रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये प्रेम सदैव रहे, यही माई से प्रार्थना करता हूँ। भैया लोग, विश्व मिफा में हमने के साथे बानी भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार नहीं बल्कि भोजपुरी के तीसरा दौर के पैदा करे वाला और भोजपुरी संगीत में एगो अलग पहचान देवे वाला मनोज भैया। भैया, लंदन में बानी रहवा कैसा लागत था? ये बहुत अच्छा लागत बा, और भोजपुरी अवार्ड एकर आयोजन लंदन तक होते ही बहुत खुशी के बात बटे, और सब भोजपुरी पूरे वर्ल्ड भोजपुरी खातिर बहुत गौरव के क्षण बा। पटना से लंदन तक भोजपुरियन के धूम बा, कजरी के धुन बाना, सब कोई जुटल यही जाली हले आपन पून बा, भोजपुरियन के धुन बाना, और हमनी के संगे हथवा में हो डिशुम बा। डिशुम टीवी को बहुत बहुत थैंक्स। भोजपुरी भाषा जानने वाले दुनिया में हर जगह है, ये तो आपने नोटिस किया होगा। आप यहाँ लंदन में आई हैं तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि आपको शूटिंग नहीं करने दे रहे हैं, लोग अपने मोबाइल से शूट करना शुरू कर दे, सेल्फी चालू है। तो भोजपुरी भाषा जानने वाले, भोजपुरी को प्रेम करने वाले दुनिया में हर जगह हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग जो है भोजपुरी अवार्ड को लेके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, पहले हम लोग मॉरिशस गए, फिर दुबई गए, अब लंदन। सो प्रोग्रेस चार्ट तो दिख ही रहा है सबको, आई होप ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती रहे और हम लोग हमेशा इस प्रोग्रेस का पार्ट रहें। तो ये बहुत खुशी की बात है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और हम सभी कलाकारों के लिए कि हमारी भोजपुरी भाषा, हमारी भोजपुरी की मिट्टी इतनी आगे बढ़ रही है।
ये सपना सच होने जैसा है और मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक कहते हैं ना जगह कहल जाला पोएटिक जस्टिस वही बात हमारे खाते का है कि आज से 20 बरिस पहले एगो कार्यक्रम रहे टेलीविजन के बड़े लोकप्रिय रियलिटी शो गुलाम अली साहब जगजीत सिंह जी फरीदा खानम जी मेहदी हसन साहब उनके सामने कजरी गा रहे हैं होली गा रहे हैं फगुआ गा रहे हैं और उन गीतों का ऐसा जादू था तो मुझे लगता था कि एक मिट्टी की चीज़ है ये जहाँ जाएगी तो इसका जादू सर चढ़ के बोलेगा। वाह मिट्टी की चीज़ है जहाँ जाएगी उसका जादू सर चढ़ के बोलेगा और ये सर जमी लंदन की सरजमी पर भोजपुरी का जादू आज सर चढ़ के बोल रहा है तभी शायद हम लोग यहाँ पर हैं। लंदन सीधा लेकर आ गए तो आप तो लाइक वेरी एक्साइटेड और मैं जानना भी चाहती हूँ कि मैंने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म से शुरू की थी तो वहाँ से तो मैंने सिर्फ देखा है कि एक से एक बढ़ते हुए और बड़े मजे हुए कलाकार जो कला की कदर करने वाले लोग हैं अब वो ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं तो और बहुत सारे नए नए फेसेस भी है सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप आखिर ये किसका कमाल किसका है? ओह माय गॉड प्लीज कोई कुछ पूछे ना मुझसे प्लीज कमाल मेरे दर्शकों का। एक्चुअली मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जैसे मैं बाहर आई ना तो लोगों मतलब जो यहाँ के लोग लंदन के लोग ऐसा लगता है ना कि हाँ होंगे हमारे यूपी बिहार के लोग तो दूसरे लोग भी जो होते कि ओह माय गॉड ओह माय अपने आप ही खूबसूरती बढ़ गई लोग तो पहचान रहे हैं मुझे ऐसा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही एज एन भोजपुरी आर्टिस्ट एज एन भोजपुरी हीरोइन बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज लंदन में अपना अवार्ड शो कर रहे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है। दर्शक लोग भैया लोग देखिए अब हमनी के सब लोग इनके साथ मिलकर के खेलल जाए कुछ खेल खेल जवान के बा टंग ट्विस्टर आप देखा था नहीं कतना लोग के टंग फिसलल और कतना लोग के टंग बचल आई देखल जाओ। बहुत सिंपल चीज आपसे पूछूंगा बस पांच बार आपको बोलना है पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पपीता पका पपीता या पका पेड़ पर पकड़िया 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 छोड़ गया तो स्वीट ऑफ चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई चंदू किधर मिलेगा आओ लेकिन दिस इज टू गुड नहीं पर ऐसे जान छूटने वाली नहीं है आप दोनों को सात बार नहीं सिर्फ एक बार बोलना है क्या पतरी कहीं न हम लपंगब लपंगब लपंगी लपंगी हम अपंगब कैसे फिर दे? और ये सात बार नहीं सिर्फ एक ही बार बोल दीजिए आप लोग तो हम पतरी कहीं न हम लपंगब लपंगब लपंगी लपंगी हम अपंगब कैसे पतरी कहीं न हम लपंगब लपंगब लपंग लपंग हम अपंगब कैसे अरे एक मिनट आप इतना पटपटपट टंग ट्विस्टर बोलती हैं 100% स्कूल में लड़कों को बहुत परेशान किया होगा आपने कुछ एक्चुअली मुझे लोग परेशान करते थे मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब मैं बहुत स्टैमर करती थी हकलाती थी और फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैं र बोलना सीख नहीं पाती थी तो सब मुझे चिढ़ाते थे बेटा बैटर गॉटसम बटर वो वाला और मैं कभी बोल नहीं पाती थी सो टू ओवरकम दैट जितने टंग ट्विस्टर्स होते थे मैं सब याद कर लेती थी सो दैट्स द रीजन अभी मैं कोई भी टंग ट्विस्टर बोल सकती हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पकड़ ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची ऊंची फूट का ऊंच ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची ऊंची पूछ का ऊंच ऊंचा कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंची ऊंचे ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची ऊंची पूछ का ऊंट ऊंचा कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा नहीं चलेगा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू का जन्म दिनेश बाबू हम तो फिदा हो गई नहीं मर गई नहीं ऐसे मत बोलिए कैमरा ऑन है।
कौन सी ऐसी महिला है जो एरोप्लेन से अब्रॉड गई? एरोप्लेन से अब्रॉड गई थी? सीमा सिंह पता लगा मैं बहुत गधी इस मामले में, तो सीमा सिंह ही होगी शायद।